सुप्रभात प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित कहते हुए पाठ के मौलिक जो बात है उनसे हम अवगत होंगे। सबसे पहले संख्या 65 का मध्य जो पैराग्राफ है उसका वाचन कार्य करेंगे। आगा खान महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था। महात्मा जी का साथ तो था किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूं। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का निवास कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और स्वतंत्र हो गई। उनके इस मुक्त किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण विदेशी साम्राज्य की नियुक्ति हुई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमजोर हुई। हमने पिछले क्लास में यह बात की जानकारी प्राप्त की थी कि उन्हें गिरफ्तार करके और आगा खान महल में रखा गया था। स्वाभाविक रूप से उनकी जो प्रकृति है और उनका जो देशभक्त है, देशभक्ति जो है, वह हमारे लिए एक आदर्श का स्वरूप है, प्रेरणा का द्योतक है। उन्हें वह काम जो अंतर मन से भाता था और देश हित के लिए था उसे वह अवश्य करती थी। स्वाभाविक रूप से अगर सरकारी बंधन यदि हो और कार्य अनिवार्य हो, राष्ट्रहित में हो, समाज हित में हो, तो उसे करना हुआ वे अत्यंत पसंद करती थी। आज उन्हें यहाँ पर आगा खान महल महाराष्ट्र के पुणे शहर में है, वहां पर हम आज ही जाकर करके उनकी दुर्लभ कार्यकृति को बड़ी सरलता से देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वहां पर उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था, हवा से भी प्राय है, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं था। वहां पर शारीरिक रूप से वे संतुष्ट थी। खाद्य पदार्थ सामग्री जो भी था शुद्ध प्राप्त होता था, लेकिन वे जो पीड़ा थी कैद की उसे वे बर्दाश्त करने की आदत उन्हें नहीं थी। जबकि महात्मा गांधी उनके साथ थे, इसके पश्चात भी उन्हें यह पीड़ा निरंतर घेरती चली गई कि मैं कैद में हूं। वास्तव में मनुष्य को सारे सुख दे दिए जाए लेकिन प्रतंत्रता में रखा जाए तो उन सारे सुखों का वह आदर नहीं कर पाता है। आप किसी प्राणी को ही ले लीजिए जो कैद में हो,
उसका जीवन दिनचर्या निश्चित रूप से अस्वाभाविक हो जाता है। आप एक पक्षी को देख लीजिए जो पिंजरे में बंद है, वह भी चाहता है कि वह अनंत आकाश में भ्रमण करे। हम पक्षी अनंत गगन के पिंजर बद ना रह पाएंगे, कनक तिलकों से टकरा कर पुलकित पंख टूटे जाएंगे। वहां पर सोने की पिंजरा है, सोने की कटोरी में मैदे से बना हुआ हलवा खाने के लिए मिलता है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं है। कारण स्पष्ट है, वह उन्मुक्त आकाश में विचरण करना, भ्रमण करना पुनः चाहता है। उसी प्रकार से मनुष्य की भी प्रकृति है, सारे भौतिक संसारिक लौकिक सुख प्रदान हो, लेकिन यदि उन्हें आजादी ना हो तो स्वाभाविक रूप से वह फूट करके जीवन बिताता है। यही स्थिति कस्तूरबा के साथ भी हुई। सारे सुख, सारे प्रकार के तत्व उपलब्ध होने के पश्चात भी सिर्फ कैद होने की जो व्यवस्था थी, इसके कारण वो व्यथित रहती थी। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का निवास कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। वास्तव में सेवाग्राम में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित जो यह ग्राम है, वह सबसे अधिक प्रिय उन्हें था, वह स्थान उन्हें अच्छा लगता था। और यह बहुत बड़ा महल होने के पश्चात भी, सारे सुविधा होने के पश्चात भी, वे उस कुटिया में रहना, उस जगह पर रहना वे पसंद करती थी। इसलिए इन सारे सुख सुविधाओं को वह समानता की दृष्टि से नहीं, असमानता की दृष्टि से रखती थी। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को कैद सहन नहीं हुई। स्वाभाविक रूप से हम इस बात को जानते हैं कि आत्मा किसी भी प्रकार के संसारिक बंधनों में बांधा नहीं जा सकता। शरीर का बंधन हो सकता है या निर्जीव हो सकता है, उनके साथ जो भी क्रियाएं हैं हों संभव है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। उनके शरीर को तो निश्चित रूप से कैद रखा गया, लेकिन आत्मा स्वतंत्र थी। और उसी स्वतंत्रता का परिणाम हुआ कि एक पिंजरे में रखी हुई पक्षी की भांति, जिस प्रकार पिंजरे का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छुड़ा और स्वतंत्र। वह दिन आया 22 फरवरी 1944, जिस दिन कस्तूरबा की मृत्यु हुई और इस संसार की और संसारिक लोगों की जो अस्वाभाविक ढंग की जो कृत्रिम कैदखाना बनी हुई थी, उसे वह अंततः निजात पा गई। वह अपने इस संसार से मुक्त हो गई। स्वाभाविक रूप से यह जो उनकी शरीर का परित्याग, बंधन मुक्त होना साधारण और आम बात बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छुड़ा, स्वतंत्र हो गई। उनसे इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण, मूक चुपचाप शरीर का परित्याग करना, लेकिन जो आभा चमक तेज बलिदान के स्वरूप में थे, उसका ही सद परिणाम हुआ कि अंग्रेजी जो साम्राज्य की नींव थी वह बिल्कुल डोल गई, हिल गई। और उसका ही सद परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। कहने का अभिप्राय स्पष्ट है कि कस्तूरबा राष्ट्रभक्ति की वे सारी क्रियाओं का निर्वहन की जिसे राष्ट्र अपेक्षा करता है, और वह जीवन पर्यंत महात्मा
गांधी के साथ रहकर राष्ट्र की सेवा की। स्वाभाविक रूप से उनके इस बलिदान के कारण ही, उनके इस त्याग के कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली। इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा और दुमत नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नीम की ईंट बन कर करके अपना त्याग बलिदान किया, इतिहास उन्हें जानता नहीं है, लेकिन जिनको जानता है सिर्फ उन्हीं के कारणों से हमें आजादी मिली है, ऐसी बात नहीं है। और नीम की ईंट की भांति त्याग कर अपनी तेज को, आभा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पटल पर इस प्रकार से बिखेरा, उसकी चमक से इतने लोग प्रकाशित हुए कि अन्य लोग उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होकर स्वतंत्रता दिलाने में देरी नहीं की। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का जो उनका तेज था, इस प्रकार से उनका जो बलिदान था, इस प्रकार से राष्ट्रभक्ति के प्रति उनकी जो समर्पण के भाव थे, वह वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे लिए आदर्श हैं, और हमें उन्हें अंततः संपूर्ण महिला के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। और उनकी जो एकाग्रता, त्याग और राष्ट्र के लिए जो समर्पण था, वह हमारे पाठकों के लिए आदर्श स्वरूप है। धन्यवाद।